आज हम बनाएंगे क्रीमी मैंगो आइसक्रीम। आधा लीटर दूध गैस पर गर्म करेंगे, 10 मैरीगोल्ड बिस्किट लेंगे, इसका पाइन पेस्ट पाउडर बना लेंगे ब्लेंडिंग जार में डालकर। इसमें दूध डालकर इसका पाइन पेस्ट बनाएंगे। ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारी मैंगो क्रीमी आइसक्रीम के लिए। दूध में जब गर्म हो जाए उसमें चीनी डालेंगे और जो हमने पेस्ट बनाया था मैरीगोल्ड बिस्किट का वो डालेंगे, ऐड करेंगे और इसको इतना गाढ़ा गोल बना ले। अब एक आम लेंगे, उसको आम को छीलेंगे, छील कर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब ये हमने जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है, इसमें आम डालेंगे। अब इसको ब्लेंड करेंगे, इसके बाद मलाई डालेंगे, फिर से एक बार ब्लेंड करेंगे और ये हमारा फाइन स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है मैंगो क्रीमी आइसक्रीम का। इसको ढक के 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, सेमी फ्रिज होने के लिए है। 3 घंटे के बाद वापस से हम इसको ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे और वापस हम कंटेनर में डालेंगे। कंटेनर में सिल्वर पेपर लगा के रखें। 7 घंटे के बाद हम आइसक्रीम को अपनी आइसक्रीम को हम किसी बर्तन में डैप डैप करके खाली कर लेंगे और पीसेस में कट कर लेंगे और ये मैंगो क्रीमी आइसक्रीम